अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप के आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला सर राजपूत एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। तो आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं, और इंटरेस्टिंग इस सेंस में कि अगर बात की जाए फिजिक्स में थ्योरी की, तो थ्योरी जो है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको याद करके एग्जाम में जाके पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर बात आती है एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। जब भी बात आती है एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज में क्या चेक किया जाता है, आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है। तो आज की वीडियो में आपके लिए मैं कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज लाया हूँ। भले आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैट्रिक के हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर, चाहे आप सेकेंड ईयर, अगर आपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ी है, यानी कि आपने क्लासिकल मैकेनिक्स भी जिसको कहते हैं वो पढ़ी है, आपने स्केलर वेक्टर्स, आपने काइनेमेटिक्स, आपने डायनेमिक्स पढ़ा है, आपने फोर्स के बारे में पढ़ा है, आपने मोमेंटम के बारे में पढ़ा है, आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा है, ये तमाम चीज़ें अगर आपने पढ़ी हैं, तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ एंड तक कनेक्ट रहना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है गौर से, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैंने आपके सामने यहाँ पे एमसीक्यूज लिख दिए, सही है? आपका लेवल क्लास कोई भी हो सकती है, आपने इसको फॉलो करना है और कॉन्सेप्ट आपने जो है वो कैच करना है। तो तीन यहाँ पे मैंने आप एमसीक्यूज आपके पास लिखे हैं, और हम लोग क्या करेंगे, वीडियोस बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, यानी कि 20 एमसीक्यूज, 10 एमसीक्यूज एक वीडियो में, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो, देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो, सही है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर वन है हमारे पास कि अली सूट केस वेट 31.5 केजी एंड हर हैंड बैग वेट्स 10.11 केजी, सही, 10.11 केजी। हाउ मच हैवियर इज द सूट केस कंपेयर टू द हैंड बैग, राउंड ऑफ द आंसर इंटू थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो हमसे कहना क्या चाह रहे हैं लोग, भाई कह रहे हैं कि अली एक लड़का है और उसके जो सूट केस का वेट है ना, वो है 31.5 केजी। इस पे आपने गौर करना है, ये उसके सूट केस का जो है वो वजन है, वेट है, और कह रहा है उसके पास जो हैंड बैग है ना, उसका वेट जो है वो 10.11 केजी है, ठीक है? अब कह रहे हैं कि हाउ मच हैवियर इज द सूट केस कंपेयर टू द हैंड बैग, कह रहे हैं कि उसका जो सूट केस है वो हैंड बैग से कितना भारी है। तो वैसे तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है, ये क्यों सिंपल लग रहा है कि आपके पास जाहिर सी बात है ये ज्यादा हैवी है और ये जो है वो कम हैवी है, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सूट केस जो है वो हैंड बैग से कितना भारी है। लेकिन आगे उन्होंने एक और आपको कंडीशन दी हुई है, एक और चीज दी हुई है, और वो ये कि राउंड ऑफ द आंसर इंटू थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे आगे कंफ्यूज होते हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, कभी वो लगाते हैं इस पे आंसर, कभी वो लगाते हैं इस पे आंसर, ठीक है? तो आपने ये दोनों आंसर नहीं लगाने, आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आए राउंड ऑफ का, तो आपने इसी तरीके को फॉलो करना है, ठीक है? सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जाहिर सी बात है सूट केस हैवी है हैंड बैग से, तो आप माइनस कर दोगे 31.5 में से आपने माइनस करना है 10.11 को, ठीक है? जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 31.5 माइनस 10.11, ठीक है? तो आंसर आ रहा है 21.39। ये मेरे पास आ गया आंसर जब मैंने माइनस किया सूट केस के वेट को हैंड बैग के वेट से, ठीक है? तो इसका मतलब 21.39 जो है वो इतने गुना जो है वो हैवी है, कौन, सूटकेस हैंडबैग से। अब इन्होंने क्या कहा था आगे कि राउंड ऑफ करो अपने आंसर को इनटू थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स या थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये होता है कि एक बात हमेशा याद रखना कि वीडियो हमारी अपलोड है सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, सही है? उसके तमाम मेथड्स मैंने आपको करवाए हैं, तो उसके 6 मेथड्स हैं, आपने वो जाके देख लेने। अगर आपने वो नहीं भी देखे तो आपको मैं सिंपल से बताता हूं कि जितने भी नंबर्स है ना 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं वो तमाम सिग्निफिकेंट होते हैं, सही है? बात आती है जीरो पे, जीरो समटाइम्स सिग्निफिकेंट होता है और समटाइम्स सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक है? तो वो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने राउंड ऑफ करना है अपने आंसर को। अब राउंड ऑफ की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं कि भाई आपके पास देखो 21.39, आपके पास यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सही है? जीरो कोई भी नहीं है ना, इसका मतलब 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपने इसको राउंड ऑफ करना है 3 में, तो आपने ये नहीं करना कि भाई ऐड वाले नंबर को हटा दिया और हमारे पास आंसर आ गया 21.3 और बच्चे क्या करते हैं, इस पर टिक लगा दिया, चलो भी हमारा आंसर आ गया। तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, आपने ये करना है कि आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, यानी कि आपको 3 डिजिट चाहिए यहाँ पे, और आप अगर 4th डिजिट देखो तो आपके पास आ रहा है 9। तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला नंबर जिसको आप लोगों ने गायब करना है, जिसको आपने हटाना है,
वो अगर 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, इसका मतलब है कि प्रीवियस वाली आप वैल्यू में आप 1 को ऐड कर दोगे। समझ आ रही है? जैसे कि अगर यहाँ पे 8 होता, यहाँ पे 7 होता, तो मैं क्या करता, इस पिछली बार इस 3 में से एक 1 ऐड करता, तो 3 में जब 1 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। लेकिन अगर यहाँ पर 9 की जगह 4 होता, या लेट सपोज 3 होता, जैसे 21.34 होता, तो ये 5 से छोटा है, तो मैं क्या करता, पिछली वाली वैल्यू में एक कम कर देता। ठीक है, तो ये आपने ट्रिक सीख लेनी है। अगर तो 5 से बड़ा है तो आप ऐड कर दोगे पिछले वाली टर्म में एक नंबर, और अगर 5 से छोटा है तो आप एक नंबर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर 9 है, 9 जो है वो उसको मैं हटा दूंगा और पिछली वाली वैल्यू में एक ऐड कर दूंगा, तो 3 में जब मैं 1 ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 21.4। तो उसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट 21.4। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा किस तरह से हम लोग राउंड ऑफ करते हैं वैल्यूज को। नेक्स्ट दूसरे पे तरफ मूव करते हैं, एमसीक्यू नंबर 2। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 2 जो है इसमें बात हो रही है प्रीफिक्सेस की। कह रहे हैं कि 10 माइक्रोग्राम इज इक्वल्स टू, भाई आप लोगों ने जो है वो प्रीफिक्सेस पढ़े होंगे अपनी जिंदगी में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, किलोग्राम। अब ये किलो क्या है, ये सेंटी क्या है, ये मिली क्या है, ये नैनो क्या है, दे ऑल आर प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का मतलब होता है हम लोग जो यूनिट से पहले लगाते हैं, जैसे ग्राम क्या है, यूनिट है, उससे पहले लगा दिया किलो। मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, उससे पहले लगा दिया किलो। तो याद रखना, मैं कुछ प्रीफिक्सेस आपके पास यहाँ पे लिखवा रहा हूँ और कुछ जो है मैं सामने आपकी पिक्चर चल जाएगी, उस पिक्चर पे आप देखेंगे कि तमाम जो है आपके पास प्रीफिक्सेस शो हो रहे हैं, तो आपने उसको अपने पास नोट कर लेना है, आपको बहुत काम आएंगे। आप चाहे वो 9 मैट्रिक फर्स्ट या सेकंड के किसी भी क्लास में जाओगे तो प्रीफिक्सेस लाजमी काम आएंगे आपको, सही है, फिजिक्स में खास तौर पर। तो कुछ मैं लिखवा रहा हूँ और कुछ मैं यहाँ पे पिक्चर शेयर कर दूंगा, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट हमारे पास होते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है किलो, के हो गया, उसके बाद हमारे पास आता है मेगा, कैपिटल एम, देन उसके बाद आता है गीगा, कैपिटल जी। इसी के साथ साथ अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास आता है मिली, स्मॉल एम, देन हमारे पास आता है माइक्रो, जिसका ये सिंबल है माइक्रो, देन उसके बाद आता है नैनो, स्मॉल एन। अच्छा, अब किलो का मतलब है किसी भी वैल्यू के साथ किलो आ रहा है। लेट सपोज मेरे पास लिखा हुआ है 50 kg। अब 50 kg का मतलब यह है कि 50 × 10³ g, 10³ का मतलब होता है 1000 और किलो का मतलब भी होता है 1000, तो उसका मतलब है 50,000 ग्राम, 50,000 grams। ठीक है, तो किलो का मतलब क्या होता है 1000, और 1000 को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं 10³ में। ठीक है, तो किलो का मतलब 10³ यानी कि 1000, मेगा का मतलब 10³ और गीगा का मतलब 10³ होता है 9। देन इसी तरह से मिली का मतलब होता है 10³-3, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। तो किसी भी वैल्यू के साथ अगर 10³-3, 10⁻⁶ और 10⁻⁹ लगा हुआ है, इसका मतलब इससे पहले जो है वो इतने जीरो एग्जिस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ दोबारा मूव करते हैं हम लोग, हमसे पूछा हुआ है कि 10 माइक्रोग्राम इज इक्वल्स टू, अब मैंने यहाँ पे माइक्रो की आपको वैल्यू लिखवा दी कि माइक्रो जो है वो बराबर होता है 10⁻⁶ के। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे भाई, यहाँ पे उन्होंने देखा कि 6 जीरो का आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिक लगा दो। भाई आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, आपने क्या करना है, आपको बोला हुआ है कि भाई 10 माइक्रोग्राम है, इसको आपने कन्वर्ट करना है, माइक्रो हटाना है और आपने बताना है कि किस मतलब कौन सा इसका सूटेबल आंसर है जो इसके बराबर है। तो आपने करना यह है कि 10 माइक्रोग्राम का मतलब यह है कि पहले आप इसको ऐसे लिखो 10⁻⁶ g, सही है, 10⁻⁶ g लिख दिया मैंने। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब देखो पॉइंट जो है वो इस आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट वैल्यू के बाद में, पॉइंट यहां पर है, तो मैं क्या करूंगा पॉइंट को 6 बार पीछे शिफ्ट करूंगा, सही है। जब मैं पॉइंट को 6 बार पीछे शिफ्ट करूंगा तो देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि आपके पास डेसिमल के बाद 1, 2, 3, 4 0 आ रहे हैं। ठीक है, देखो 2 बार मैंने पॉइंट को यहां पर शिफ्ट किया और उसके बाद 4 0 मुझे चाहिए क्योंकि 10 अपना नंबर भी तो है, तो 10 0 को मैंने एक पॉइंट पीछे किया यहां पे आ गया, फिर एक पॉइंट पीछे किया यहां पे आ गया। जब मैंने 2 बार पॉइंट को यहां शिफ्ट किया तो ये वैल्यू बन गई 0.10 और जब 2 बार पीछे किया तो यहां पे पावर 2 कम हो गई, 10⁻⁴। अब आप क्या करो पॉइंट को 4 बार पीछे कर दो,
तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 0.1240 और देन 1 और ये आ जाएगा ग्राम। ठीक है, तो इसमें अगर हम चेक करें तो सही आंसर कौन सा है हमारे पास, 1240 वाला ये है, तो दिस इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने आपको और पेज जो है वो चल चुका होगा, आपने तमाम प्रीफिक्सेस यहां से कॉपी डाउन कर लेने, नोट डाउन कर लेने। ठीक है, तो चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। कह रहे द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, अच्छा वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, इनका आपको लीस्ट काउंट वैसे भी पता होना चाहिए, अगर आपको ऑप्शन नहीं भी दिए हुए तो आपको लाजमी बताना चाहिए। ठीक है, तो एक बार याद रखना कि वर्नियर कैलिपर से ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट जो है वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है स्क्रू गेज। ठीक है, तो जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होता है दैट इंस्ट्रूमेंट इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, जिस तरह से हम मिसाल लेते हैं कि हमारे पास जो तराजू होता है जिससे हमें सब्जी वाला सब्जी देता है तो वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो वेट मशीन होती है जिसमें हम लोग जो है वो अक्सर आटा चीनी वगैरह लेते हैं, अक्सर हम लोग जो है वो चिकन वगैरह जो है वो मेजर करता है, उसके पास वेट मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है उसके पास, सही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, तो उसका जो है वो लीस्ट काउंट बहुत कम होता है, इसका मतलब वो ज्यादा प्रिसाइज और ज्यादा एक्यूरेट मशीन है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर जो है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर, और लीस्ट काउंट हम किस तरह से निकालते हैं कि स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है ना, जो आपके पास स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसको, मतलब लेट सपोज 1 से लेकर 10 मिलीमीटर तक जा रहा है। ठीक है, और इसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर का है, तो आपने क्या करना है उसको नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर देना है। अगर नंबर ऑफ डिवीजन 10 है तो आप 1 को डिवाइड कर दोगे 10 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। सही है, इसी तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं स्क्रू गेज को, तो स्क्रू गेज का हमारे पास आता है लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट जो है वो वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में कम है, इसलिए ये ज्यादा मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। ओके, तो सो लेट्स मूव टुवर्ड एमसीक्यूज नंबर 4। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर 4, 5 और 6 आपके सामने मैंने लिखा हुआ, तो स्टार्ट करते हैं। Which of the following represents the correct scalar and vector quantities? ठीक है, तो आपने बताना है कि ये आपके पास एक टेबल टाइप बना हुआ है और आपने बताना है कि जो करेक्ट ऑर्डर है स्केलर और वेक्टर का वो क्या है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं कि स्केलर का मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड का होना विदाउट एनी डायरेक्शन। ठीक है, जैसे इतना टाइम है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, टाइम के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं आपके पास वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होती है और वेलोसिटी के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी एग्जिस्ट करती है। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमने बताना है कि कौन सा सही इसमें से ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी, आपका सही कॉलम कौन से बने हुए। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले ए जो है उसमें स्केलर में एनर्जी लिखा हुआ है और वेक्टर में स्पीड लिखा हुआ है। पहली बात तो याद रखना कि एनर्जी जो है इसे स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल ठीक है, एनर्जी स्केलर है, लेकिन स्पीड इज नॉट अ स्केलर, स्पीड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और अभी मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो पहला तो हमारे पास बिल्कुल रॉन्ग है, पहला तो हो नहीं सकता। दूसरा चेक करते हैं भाई, स्केलर इज वेलोसिटी, पहली बात तो वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल, और करंट जो है वो वेक्टर लिया हुआ, खैर करंट को हम वेक्टर मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा जो बी ऑप्शन है वो भी गलत है। थर्ड ऑप्शन अगर हम चेक करें तो स्केलर में डिस्टेंस आ रहा है और वेलोसिटी में एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज एक्सेलरेशन के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और अगर मैं फोर्थ पढ़ूं तो फोर्थ में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है स्केलर में, एंड हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन लाजमी होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी है और वेट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 5। कह रहे हैं कि एन एथलीट रन्स अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, एथलीट का मतलब कोई भी स्पोर्ट्समैन है और वो भाग रहा है सर्कुलर ट्रैक पे जो है वो भाग रहा है, जिसका रेडियस 50 मीटर है। सही है, जिस ट्रैक पे वो भाग रहा है उसका रेडियस जो है वो 50 मीटर है। रेडियस आपको पता है क्या होता है, कि अगर ये सर्कुलर पाथ है तो इसके सेंटर से लेकर जो यहां पर सरफेस का डिस्टेंस होगा उसे हम बोलते हैं रेडियस, और वो कितना है 50 मीटर है। एंड फिनिशेस एट द सेम पॉइंट वेयर ही बिगन हिज जर्नी। लेट सपोज वो जो एथलीट है, वो जो बंदा है, उसने यहां से स्टार्ट किया,
यहां से उसने मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है उस बंदे ने, और वो मूव करता 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 दोबारा जो है वो यहां पर आ गया, ठीक है, मूव करके दोबारा वो यहां पे आ गया, यहां से मूव करना स्टार्ट किया, लेट सपोज ये पॉइंट ए है, सही है, इस ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया और दोबारा वापस यहां पर आ गया। तो अब उन्होंने आपसे पूछा क्या है, हिज टोटल डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स इज इवैल्यूएटेड टू बी। बेसिकली एग्जामिनर जो है आपके दिमाग के साथ खेलना चाहता है और वो आपसे पूछना चाहता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। पहली बात तो आपने सिर्फ ये याद रखनी है कि अगर कोई बॉडी जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करे दोबारा घूमकर उसी पॉइंट पर वापस आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई भी बॉडी जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करे और घूम फिर के उसी पॉइंट पर दोबारा आ जाए तो उस बॉडी का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है जीरो। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था आपको देना, इसलिए ये वाला एमसीक्यूज मैंने यहां पे आपको करवाया है। याद रखना डिस्टेंस कभी भी मूविंग बॉडी का जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बट द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इफ द बॉडी हैज एन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बोथ द सेम। अगर बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट बिल्कुल सेम हो गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं पाई, पाई बाय टू, टू पाई, हंड्रेड पाई। तो आपने अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना कैलकुलेशन करने में, 2 पाई आर लगाने में और जो है वो रेडियस की वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल लो, आपने बिल्कुल ये काम नहीं करना। आपने सिंपल यहां पे देखा कि भाई सॉरी यहां पे ऑप्शन नहीं है जीरो का, तो ये लिख देता हूं मैं यहां पे जीरो, यहां पे जीरो, सही है। तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, सिंपली जीरो। ना आपने पाई लगाना है, ना आपने पाई बाय टू, ना आपने टू पाई। अच्छा आपको ये भी कॉन्सेप्ट बता दूं कि जो हाफ सर्किल होता है वो पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो हाफ सर्किल है That is equals to pi, और ये वाला भी पाई के बराबर होगा, इसका मतलब कंप्लीट सर्किल जो है वो बराबर होता है 2 पाई के। और अगर आप चाहते हो किसी भी सर्किल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना तो आपके पास सिंपल फार्मूला है 2 पाई आर, आप इसके जरिए कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ओके सो मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। इन इलास्टिक कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो रिमेन्स कंसर्व अलॉन्ग विद मोमेंटम। इलास्टिक कोलिजन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूं आपको अगर मैं, तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि दो बॉडीज जब आपस में कोलाइड करती हैं और ऐसे कोलाइड करती हैं कि उनका जो है वो मोमेंटम कंजर्व रहता है और मोमेंटम के साथ साथ टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। इसकी डेरिवेशन जो है वो क्लास फर्स्ट ईयर में मौजूद है, इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी अपलोड करेंगे तो आप लोग प्रॉपर लेक्चर भी उसका ले सकते हैं। तो मैं कॉन्सेप्ट आपको अगर दूं कि लेट्स सपोज मेरे पास दो बॉल्स हैं, सही है, और ये दोनों बॉल जो है वो आपस में एक दूसरे से क्या करी, कोलाइड किया इन दोनों ने आपस में। जब इन दोनों ने एक दूसरे से कोलाइड किया तो लेट सपोज इसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है और इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। इसकी वेलोसिटी और दोनों के मासेस, लेट सपोज इन दोनों के मासेस सेम है, इसका भी 5 kg है और इसका भी 5 kg है, तो जब ये आपस में टकराएंगी तो ये बॉल जो है अपना मोमेंटम इसमें शिफ्ट करेगी और ये वाला बॉल जो है अपना मोमेंटम इसमें शिफ्ट करेगी। अगर इन दोनों के दरमियान जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है तो याद रखना कि इन दोनों का मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। देखो यहां पे ऑप्शन क्या दिए हैं, आप पहले समझो उसको, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं आता, इलास्टिक कोलिजन में आप कभी भी हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं देखोगे। दूसरी बात है साउंड एनर्जी, अब दूसरी बात के दोनों टकराएंगे हमारा साउंड से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा उन चीजों से ताल्लुक है जो कंजर्व है, ठीक है, तो साउंड एनर्जी भी नहीं हो सकता। तीसरा है काइनेटिक एनर्जी, चौथा है पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों में से डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। अब देखो कि पोटेंशियल एनर्जी है उसका कॉन्सेप्ट वह आता है जब अगेंस्ट द फील्ड काम हो। अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तो वह आता है जब कोई बॉडी ने हाइट कवर की हो, और इन्होंने हाइट तो कवर नहीं की, मैं बात कर रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, ग्रेविटेशनल भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इलास्टिक भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, अगर तो बॉडी ने हाइट कवर नहीं की, इसके मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है। तो एक ही आपके पास ऑप्शन बचा, वो ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो जाहिर सी बात है दोनों मूव कर रहे थे और आपस में टकराए तो इनके दरमियान जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, और इन दोनों का मोमेंटम भी इनिशियल और फाइनल आपस में बराबर होगा, ठीक है। ओके तो हमारे पास लास्ट के 3 एमसीक्यूज हैं तो उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि हमें विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। क्या है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कौन जो है वो फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जितनी भी फोर्सेस लग रही है किसी भी बॉडी पे तो नेट जो फोर्स है ना, टोटल फोर्स है वो आपके पास होनी चाहिए जीरो, यानी कि एफ नेट
मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो किसी भी बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेज का अगर आप सम करो तो वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। ठीक है, तो अगर मैं इसके आपके पास ऑप्शंस पढूं तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अब इससे कोई सेंस नहीं बन रहा कि एक्स में फोर्स लगने वाली एक्स के बराबर, तो आपके पास एमसीक्यू नंबर वन का कोई सेंस नहीं बन रहा। एमसीक्यू नंबर अगर मैं थ्री फोर पहले पढ़ता हूं, ठीक है, ये आपके पास जो सिंबल है दिस इज द सिंबल ऑफ टॉ, ये टॉर का सिंबल होता है, ठीक है, टॉ पढ़ते हैं इसको, सही है। तो कह रहे हैं कि टॉर्क एक्स इज इक्वल टू टॉर्क वाई, पहली बात तो याद रखना कि टॉर्क कैन आइदर बी क्लॉकवाइज और आइदर बी एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क कभी भी एक्स वाई में हो ही नहीं सकता। टॉर्क का मतलब है किसी बॉडी का रोटेट करना, टर्न करना, फोर्स लगने पर किसी भी बॉडी का रोटेट करना या टर्न करना, तो या तो बॉडी ऐसे टर्न करेगी या तो बॉडी ऐसे घूमेगी, तो एक्स और वाई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ऑप्शन नंबर फोर में भी आपके पास देखो टॉर्क एक्स आ रहा है, इसका मतलब आप बस वन थ्री और फोर में कोई सेंस नहीं बन रहा, लेकिन जो आपका एमसीक्यूज नंबर टू है एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इस बॉडी पर जितनी भी वाई में फोर्सेज लग रही है उन सबका सम क्या आ रहा है, जीरो। जैसे कि अभी मैंने बताया कि नेट फोर्स किसके बराबर होगी, जीरो के, तो यानी कि इस बॉडी पर जितनी भी फोर्सेज लग रही है वाई एक्सिस पर उन सब का सम क्या आ रहा है, जीरो के बराबर। इसका मतलब ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर टू हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अच्छा एमसीक्यू नंबर एट, इन अ क्लोज कंटेनर, किसी भी कंटेनर में इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस राइजेस, किसी भी गैस का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा देन द प्रेशर ऑफ द कंटेनर विल बी, ठीक है। अच्छा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में। तो बॉयल्स लॉ में हम पढ़ते हैं वॉल्यूम का रिलेशन, इनवर्स रिलेशन प्रेशर के साथ, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर मैं बात करूं चार्ल्स लॉ की, तो वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन पढ़ते हैं हम लोग टेम्परेचर के साथ, कि किसी भी गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो साथ साथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। लेकिन आपने कभी भी प्रेशर और वॉल्यूम का कभी भी आप इसमें रिलेशन नहीं पढ़ा होगा। तो इसकी मिसाल अगर मैं आपको ऐसे दूं कि जब हमारे पास सर्दियां होती हैं तो हमारे पास गैस जो है वो नहीं आती, गैस क्यों नहीं आती, कहते कुछ इलाकों में कहते हैं कि आपके पास प्रेशर बिल्कुल नहीं है गैस का, तो प्रेशर क्यों नहीं है, जब टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाता है तो आपके पास गैस का प्रेशर भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो अगर यहां पे एमसीक्यूज पढ़े हम लोग तो कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर राइज करेगा बढ़ेगा तो प्रेशर क्या करेगा, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा तो साथ साथ प्रेशर भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास वन बिल्कुल ठीक है, इंक्रीजेस, सही है। एमसीक्यू नंबर नाइन और लास्ट है, उसके बाद अपनी वीडियो जो है वो एंड करते हैं हम लोग। द क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज, अच्छा कह रहे हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी मॉलिक्यूल्स के सब्सटेंस की वो हमें कौन बताता है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, हीट, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्यों है, देखो टेम्परेचर की हमारे पास दो डेफिनेशन होती हैं, एक होती है मैक्रोस्कोपिक एक होती है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिकली हम कहते हैं इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, हमें ये बताती है कि हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, सही है, कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है कितना गर्म है हमें कौन बताएगा, टेम्परेचर बताएगा। लेकिन अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपिकली डेफिनेशन देखें ना, तो माइक्रोस्कोपिकली अगर किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाती है ना, इसका मतलब उस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज किया है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आया एवरेज काइनेटिक एनर्जी का, तो जब भी कॉन्सेप्ट आता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का तो उसका मतलब समझ आना बात हो रही है टेम्परेचर की। और जहां तक बात है हीट की, हीट का मतलब होता है थर्मल एनर्जी का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना। तो ये हमारे पास नॉन एमसीक्यूज थे, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा, आगे जो है हमने और एमसीक्यूज भी अपलोड करना है और जो है वो बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी हम लोग जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।